अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को दो कलर के बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बताऊंगी। इसके लिए हमें 14 का मल्टीपल फंदा चाहिए और एक फंदा हमको ज़्यादा डालना है। देखिए, जैसे कि आपको जितना भी फंदा डालना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चौदह चौदह करके आप फंदा डाल के और एक फंदा ज़्यादा डाल लीजिएगा तो ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसके लिए देखिए, ये चार सिलाई हम दोनों साइड से सीधा बुनेंगे। सीधी साइड से भी सीधा और उल्टी साइड से भी सीधा बुनेंगे। देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, देखिए यहाँ तक हम थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे सीधा बुन के। देखिए, एक सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई सीधी साइड। अब ये गई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड से आप फंदा को स्किप कीजिए या बुन लीजिए, हम इसे बुन लेंगे। देखिए, अभी उल्टी साइड से भी हम सीधा ही बुनेंगे पूरी सिलाई। चार सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे दोनों साइड से सीधा बुन कर। देखिए देखिए, ये हमारी चार सिलाई दोनों साइड से सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, ये चार सिलाई बुनने के बाद ऐसा, देखिए ऐसा, एक और ये दो। अब हम यहाँ लगाएंगे ये वाला ऊन। देखिए, यह में देखिए एक कलर यहाँ पे हम लगाएंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर लगा सकती हैं। देखिए, यहाँ हम सीधा ही बुनेंगे। देखिए ऐसे, यहाँ पे तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये तीन, यहाँ इसको खींच लीजिए ऐसे करके और यहाँ पे एक नट लगा लीजिए। देखिए ऐसे, ताकि ये धागा सरक जाए, ऐसे करके खींच लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए, ये तीन फंदा हम सिंगल बुनेंगे। उसके बाद से हम, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक दो और ये तीन, तीन बार लपेटेंगे और एक फंदा हम बनाएंगे। देखिए फिर से, एक दो तीन, ऐसे ही करके हम नौ फंदा बुनेंगे। देखिए फिर से, एक दो तीन, फिर से एक दो तीन, ये हमारे चार फंदा बनेंगे, एक दो तीन चार। देखिए ऐसे ही करके, देखिए ये पाँच, ये छः, सात और ये आठ और ये नौ, नौ फंदा बन गया। देखिए यहाँ तीन फंदा सिंगल बुने हैं और एक और ये दो, देखिए तीन चार और ये पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदा बना लिए। उसके बाद से फिर हम पांच फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए एक और ये दो और ये तीन चार पाँच, पाँच फंदा हो गया। देखिए पाँच फंदा बुनने के बाद से फिर से यही वाला हम रिपीट करेंगे। देखिए देखिए, एक दो तीन, एक फंदा दो फंदा तीन फंदा चार फंदा पाँच फंदा छः फंदा सात फंदा आठ फंदा और ये हमारी नौ फंदा, नौ फंदा के बुन लिए। फिर से देखिए, ये पांच फंदा सिंगल छोड़ के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नौ। फिर से हम इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच। देखिए अब फिर से इसको हम, एक दो तीन ये दो तीन चार पाँच छः सात
आठ और ये नौ। फिर से हम ये नौ फंदा हम ऐसे लपेट के बुन लिए, देखिए नौ फंदा। फिर ये हमारे तीन फंदा इधर बुने थे और तीन फंदा इधर, एक और ये दो और ये तीन, देखिए देखिए। अब ये हमारी आ गई उल्टी साइड, एक साइड तो हम बुन लिए सीधी साइड, ये हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड हम देखिए हम उल्टा ही बुनेंगे, जो तीन फंदा सिंगल बुने थे उसको हम उल्टा ही बुनेंगे। देखिए ये तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद ये फंदा जो हम लपेटे थे इसको हम ऐसे कर लेंगे, देखिए ये चार ये पाँच ये छः सात आठ ये नौ, नौ फंदा हम ऐसे। अब इस सिलाई में हम ऐसे करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम डाल लेंगे ये सिलाई को, देखिए ऐसे करके उसके बाद हम ऐसे करेंगे, फिर से इसको हम लपेटेंगे, फिर से ये ऐसे करेंगे। इसको थोड़ा सा लूज कीजिएगा, ये फंदा को ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है इसको। देखिए ये तीन बन गया, फिर से लपेटेंगे, फिर से इसमें एक फंदा हम और बनाएंगे, देखिए ये पाँच, ये फिर से लपेटेंगे, देखिए छः ये हमारा सात, देखिए फिर से लपेटेंगे ये आठ, और ये फिर से एक फंदा हम बुन लेंगे, ये हमारा नौ बन गया। नौ फंदा ये था हमारा, ये नौ हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए एक दो तीन, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ नौ, यहाँ नौ फंदा का हमको नौ फंदा ही बनाना है, देखिए ऐसे। फिर से ये सिंगल फंदा, पांच जो हम फंदा बिने थे सिंगल सिंगल, उसको हम सिंगल ही बुन लेंगे, देखिए एक दो और ये तीन चार और ये पांच। फिर से इस फंदे को हम देखिए ऐसे हम करके उतार लेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ। फिर से इसके अंदर हम सिलाई को डालेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक भी फंदा स्किप नहीं होना चाहिए, ध्यान से डालिएगा सिलाई को, देखिए ऐसे करके हम एक फंदा बना लेंगे इसके हम को, एक देखिए देखिए ठीक से ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद से हम एक फंदा इसमें बनाएंगे ऐसे, इतना यहाँ पे लूज रखना है, ज़्यादा लूज नहीं रखना है। फिर से एक लपेटेंगे, ये दो, ये हमारा तीन फंदा हुआ, देखिए फिर से ये चार, फिर ये पाँच, फिर ये छः और ये सात, फिर से एक लपेटेंगे आठ और ये नौ, नौ फंदा मेरा बन के रेडी हो गया, देखिए इसको ऐसे। फिर से वही रिपीट करेंगे, देखिए एक दो सिंगल फंदा को सिंगल बुन लेंगे, देखिए फिर से दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से इस फंदे को हम ऐसे ले लेंगे, सारे फंदे को हम ऐसे इस सिलाई में उतार लेंगे, उसके बाद से ना देखिए इसके बीच में हम डालेंगे सिलाई, देखिए इसके बीच में ऐसे करके ऐसे देख लें कि सब फंदा इस सिलाई पे ही भी रहना चाहिए, देखिए एक फंदा ऐसे करके बनाएंगे, इसके बाद से इतना इतना लूज करेंगे, फिर से ऐसे फंदा डाल के एक फंदा ये और ये तीन फंदा बन गया, फिर ये चार फंदा, फिर ये पाँच, फिर एक लपेटेंगे छः, एक हम बुनेंगे सात, फिर ये आठ, ये हमारी नौ, देखिए नौ सिलाई हो गया। इसको हम फिर से ऐसे गिरा लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो और ये तीन। ये डिज़ाइन दो ही सिलाई में बनती है,
और ये इससे चार फंदा बुनेंगे, चार सिलाई बुनेंगे और ये डिजाइन दो सिलाई में ही बन के रेडी हो जाती है। देखिए अब इसको हम फिर से सीधा बुनेंगे, देखिए अब पूरी सिलाई हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो नौ फंदा हम बनाए हैं उसको एक एक करके हम नौ फंदा बुनेंगे। देखिए एक, ये देखिए दो, फिर से ये तीन, ये चार, ये पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ, नौ फंदा के नौ फंदा यहाँ बन गया। और फिर से ये एक एक दो, ये इसको पूरी सिलाई हम ऐसे ही करके सीधा बुनेंगे। यहाँ ध्यान से बुनिएगा, यहाँ पे एक भी फंदा स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये डिजाइन खराब हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। देखिए तीन, चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ और ये नौ, एक दो चार ये पाँच। देखिए डिजाइन समझ में आ रही होगी, बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है, बहुत खूबसूरत। देखिए फिर से इसको हम नौ के नौ बना लेंगे। उसके बाद देखते हैं उल्टी साइड। देखिए अब ये आ गई हमारी उल्टी साइड। अब उल्टी साइड से हम इधर से भी हम सीधा ही बुनेंगे, जैसे हम यहाँ बुने थे सीधा चार सिलाई दोनों साइड से, उल्टी से भी सीधा, उल्टी साइड से भी सीधा और सीधी साइड से भी सीधा, ऐसे ही हम इसको भी बुनेंगे दोनों साइड से सीधा, ऐसे सिलाई लगा के और ऐसे जैसे सीधा उल्टा बुनते हैं वैसे ही सीधा बुनेंगे दोनों साइड से। पूरी सिलाई हम सीधा बुनेंगे यहाँ तक। देखिए ये हम चार सिलाई बुन लिए दोनों साइड से सीधे, देखिए हमारे चार सिलाई बुन के कंप्लीट हो गई है। देखिए आपको दिख रहा होगा एक दो, ये डिजाइन चार सिलाई के बाद ये दो डिजाइन बन के रेडी हो जाते हैं। इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला हम बुन लगाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ये एक दो और ये तीन, पहले बार हम तीन फंदा के बाद से ये डिजाइन बनाए थे, मगर अब ये हमारी डिजाइन इसके हमको बीच में बनाना है यहाँ पे। देखिए तो हमने यहाँ पे कितना फंदा, पांच फंदा हम बुने थे और दो फंदा हम इस डिजाइन में सिलेंगे और दो फंदा हम इस डिजाइन में सिलेंगे, तो ये हमारे नौ फंदा यहाँ पे बन जाएगा। तो एक डिजाइन हमारा यहाँ पे रेडी हुआ है इसके बीच में, देखिए इसके बीच में। तो चलिए यहाँ पे है हमारा तीन, अब इसमें से दो फंदा जब हम इधर लेंगे तो इसमें से हम सात फंदा इसमें बुन लेंगे। देखिए ये हमारे तो ये तीन और सात, ये दस, चार, ये पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस, दस फंदा हमने बुने। अब ये इस डिजाइन का दो फंदा बचाए थे, इसमें अब हम डिजाइन डालेंगे। देखिए एक दो और ये पांच फंदा जो है उसमें, तीन, चार, पाँच, छः, ये सात और ये आठ और नौ। देखिए दो फंदा हम इस डिजाइन में से लिए हैं और दो फंदा इस डिजाइन में से और पांच फंदा ये मेरा ये बीच वाला, तो ये मेरा नौ फंदा बन के रेडी हो गया। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे पांच फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदा बन गया। उसके बाद से दो फंदा इसमें बचा इस डिजाइन में के, तो इसमें हम अब डिजाइन डालेंगे वैसे सेम जैसे इधर डाले थे वैसे ही, पांच फंदा के बाद
फिर से नौ फंदा हम ऐसे लपेट कर बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः और ये सात और ये आठ और ये नौ, नौ फंदा हो गया मेरा। देखिए अब हम यहाँ दस फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये दस, दस फंदा हो गया। देखिए अभी आ गई हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड से हम देखिए भाई ये दस फंदा जो हमारा सिंगल सिंगल है उसको उल्टा ही बुनेंगे। देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये दस, दस फंदा मेरा उल्टा हो गया, उल्टा बुन लिया। अब ये आ गई हमारी डिजाइन वाले फंदा, लपेटा हुआ फंदा को, एक दो तीन चार पाँच, इसको सब फंदा को हम ऐसे ही करके हम उतार लेंगे इस सिलाई में हम। उसके बाद से जैसे हम ये डिजाइन में बताए थे सेम एक बार और बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसको बीचों बीच से हम इसके ऐसे हम नौ फंदा को हम इसमें ले लेंगे। इसके बाद से देखिए ऐसे फंदा हम ऐसे करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं रखना है नहीं ज़्यादा लूज। देखिए फिर से एक फंदा यहाँ बनाएंगे, लपेटेंगे, फिर ये मेरा तीन फंदा रेडी हो गया। देखिए फिर एक फंदा लपेटेंगे, एक फंदा बुनेंगे, देखिए ऐसे पाँच ये छः और ये सात और ये देखिए ये मेरा नौ फंदा बन के रेडी हो गया। देखिए ऐसे उसके बाद से फिर पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे सॉरी, सिंगल सिंगल पांच फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए और फिर से उसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे, ये फंदा को हम निकाल लेंगे। देखिए देखिए इसके बीच में से हम सिलाई को डालेंगे, देखिए सर एक भी फंदा छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए नौ का नौ है, देखिए इसके ऐसे करके हम एक फंदा बनाएंगे। ठीक है इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, देखिए इतना। उसके बाद से फिर से ये तीन फंदा हो गया, फिर से लपेटेंगे, ये पांच फंदा हो गया, फिर से लपेटेंगे, ये छः ये सात, फिर से लपेटेंगे, ये नौ, नौ का नौ फंदा हमको बनाना है। देखिए इसको हम ऐसे करके खींच लेंगे, उसके बाद से फिर ये हम सारे फंदा को हम ऐसे सिंगल करके बुन लेंगे। देखिए ये मेरे डिजाइन फिर से ये दो सिलाई में कंप्लीट हुए। देखिए अब फिर से यहाँ पे हम ये ब्लैक कलर लगाएंगे, देखिए ऐसे करके सारे फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान ध्यान से बोलना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो नौ फंदा है हमको एक एक करके नौ फंदा बुनना है। देखिए एक एक बार और देख लीजिए, ये दो फिर से देखिएगा ऐसे करके, देखिए ये जो आगे फंदा है उसी को हम बनाएंगे। देखिए ये तीन फिर से ये चार फिर से पाँच फिर से ये वाला फंदा छ फिर से ये वाला फंदा ये सात ये आठ और ये नौ। देखिए ऐसे नौ फंदा को हमें नौ फंदा बनाना है, उसके बाद से ये सब कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी चार सिलाई फिर से ये
एक बार कंप्लीट हो गए दोनों साइड से सीधे बुन के। बार बार ऐसे ही हम रिपीट करेंगे, चार सिलाई दोनों साइड से सीधा बुनेंगे और ये दो सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे पहले हम तीन डिज़ाइन डाले थे और ये दो डाले थे, ये दूसरी बार हम दो डिज़ाइन डाले थे और ये हमारी आ गई तीसरी डिज़ाइन। तो तीसरी डिज़ाइन में हम देखिए ऐसे करेंगे, फिर से जैसे हम यहाँ स्टार्टिंग में तीन फंदा सीधा बुने थे वैसे ही हम फिर से यहाँ तीन फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से वही रिपीट करेंगे वही डिज़ाइन। जैसे ऐसे करके हम तो फिर से हम यही ऐसे ही हम तीन फंदा डाल के फिर से यहाँ नौ फंदा डिजाइन, फिर पांच फंदा, वैसे ही करके हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए पहला तीन डिजाइन है, एक एक यहाँ पे तीन फ्लावर बना है, एक दो तीन, और यहाँ पे दो, फिर से यहाँ तीन, इस सिलाई में तीन फ्लावर बनेगा, फिर से उसके बाद से दो, ऐसे ही बार बार हम रिपीट करेंगे। देखिए देखिए ये बन के रेडी हो गए ये डिज़ाइन, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन, बताए बच्चों के स्वेटर में बनता है तो बहुत प्यारा लगता है ये। आप यही डिज़ाइन बड़ों को दिन बड़े के स्वेटर में आप सिंगल कलर से भी ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। देखिए ये ब्लाउज में भी ये डिज़ाइन पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट फर्स्ट लाइन में एक दो तीन, उसके बाद से ये दो, फिर ये तीन, फिर से ये दो, और फिर से ये यहाँ पे आप बनाएंगे तो तीन बनेगा। ऐसे ही करके हैं अभी पूरी कंप्लीट करेंगे इस डिज़ाइन को। देखिए आपको जितना बुनना है ऐसे ही बुनते जाइएगा। देखिए ये वाली डिज़ाइन चार सिलाई में कंप्लीट होती है और ये डिज़ाइन दो सिलाई में, बार बार इसी को रिपीट करना है। अगर ये डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।